डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसे कि आप साइंस में हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट किए हैं, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं जिसका नाम है पीएच स्केल। इसका नाम है पीएच स्केल। क्या है पीएच स्केल? अच्छा, पीएच बोले तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति। ठीक है, पीएच स्केल क्या है? तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो लिखा जाए पॉइंट देकर, उदासीन बिलियन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन बिलियन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन बिलियन का पीएच मान 7 होता है। चलिए, तो अभी जो फर्स्ट में लिखे हैं आप याद रख लीजिएगा कि उदासीन बिलियन जो है हम लोगों का, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7। ठीक है, अब उदासीन जो भी बिलियन होगा, यानी कि किसी का भी पीएच वैल्यू 7 होगा, तो हम समझेंगे वह उदासीन है। फिर लिखिएगा नेक्स्ट एरो, पीएच स्केल पर 0 से 14 तक अंकित होते हैं। पीएच स्केल पर 0 से 14 तक अंकित होते हैं। बताते हैं ये सब सारा क्या है, पहले लिखते चलिए, फिर थर्ड एरो में लिखेंगे। थर्ड एरो में अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। फिर लिखेगा नेक्स्ट एरो, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। फिर लिखेगा नेक्स्ट एरो, यदि ओ एच माइनस आयन की सांद्रता बढ़ रही हो तो वह क्षार है। उसके नीचे लिखेंगे, यदि H+ आयन की सांद्रता बढ़ रही हो तो यदि H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ रही हो तो वह अम्लीय होगा। देखिए, सबसे पहला बात, पीएच स्केल क्या है? तो पीएच स्केल हम बोल सकते हैं, पीएच का नाम ही होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यह एक ऐसा स्केल होता है जिस पर 0 से 14 तक के अंकित रहता है। यहाँ 0 होता है और लास्ट वाला छोर पे 14 होता है और बीचों बीच 7 होता है। ठीक है, यानी कि 0 और यहाँ हो रहा होगा 1, यहाँ हो रहा होगा 2, यहाँ ऐसे कर करके 7 तक के, फिर 8, 9, 10 ऐसे करके 14 तक। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पीएच स्केल पर कौन सा नंबर से कौन सा नंबर तक के अंकित रहता है? तो 0 से 14। अब 0 से 14 में हम लोग 7 वाला को कहते हैं उदासीन, याद रखिएगा। यानी कि जिसका पीएच वैल्यू अगर 7 होगा, ध्यान दीजिएगा, जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा उसको हम लोग कह देते हैं उदासीन। और पीएच स्केल का वैल्यू 0 से कहाँ होता है? 14। ठीक है,
जीरो से 14, तो 0 से 7 और 7 से 14। आपको पता होना चाहिए कि 7 से अगर कम रहेगा पीएच वैल्यू, 7 से कम रहेगा तब हम उसको कहते हैं अम्लीय, और जब 7 से अधिक रहेगा, जब 7 से अधिक रहेगा तब उसको कहते हैं क्षारीय। ठीक है, तो जब 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक रहेगा तो उसको कहते हैं क्षारीय। तो याद रखिएगा कि किसी भी पीएच स्केल पर का जो यूनिट रहता है वो 0 से लेकर कहाँ होता है 14, और 0 से 7 होता है अम्ल, और 7 से लेकर 14 होता है क्षारीय। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीच वाला को हम लोग, यानी कि जिसका पीएच मान 7 रहेगा उसको हम लोग उदासीन कहेंगे, और अम्ल का जो पीएच मान होता है 0 से 7 होता है, और क्षार का जो पीएच मान होता है 7 से लेकर 14 होता है। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 8 है तो वो क्या है, अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन है। तो 8 तो 7 और 14 के ना बीच में आया, तो उसको हम लोग कहेंगे क्षार। अगर 7.1 भी रहेगा हम उसको क्षार बोलेंगे, यानी कि कुल मिलाकर अगर सिंपल, अगर केवल और केवल 7 रहेगा तब उसको हम कहेंगे उदासीन, और 7 से अगर कम रहेगा तब हम उसको कहते हैं अम्ल। ठीक है, तो यहां तक के हम लोगों का क्लियर हुआ बात। चलिए अब आते हैं आयन में कि आखिर क्या OH माइनस और H प्लस लिखे हैं। तो 0 से लेकर ना 14 तक के ऊपर वाला पार्ट्स को हम लोग मिलाते हैं ऐसे। ठीक है, देख पा रहे होंगे डायग्राम, ये डायग्राम आप जरूर बना लीजिएगा, और फिर इसको इससे मिला देते हैं। जब ऐसा मिल गया तब हम ऊपर वाला को बोलते हैं H प्लस आयन, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं H प्लस, और नीचे वाला को बोलते हैं OH माइनस। क्लियर, ऊपर वाला हुआ H प्लस और नीचे वाला हुआ OH माइनस। अब ये जो H प्लस आयन है उसको हम लोग कलरफुल कर देंगे ताकि ये पता चलेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ऊपर वाला H प्लस आयन को कलरफुल कर दिए। अब आप देख पा रहे होंगे, इसीलिए हम लोग बोले कि यदि OH माइनस की सांद्रता आयन बढ़ेगा तब हम बोलेंगे कि अम्लीय होगा। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे ये हम लोगों का OH माइनस है, और ये OH माइनस का सांद्रता बढ़ रहा है क्योंकि OH माइनस बिना कलर वाला है, बिना कलर वाला को हम OH माइनस आयन बोल रहे हैं। तो OH माइनस तो नीचे ना है, तो नीचे वाला ब्लैंक्स दिख रहा है, खाली दिख रहा है। तो जब ये खाली दिख रहा है तो धीरे धीरे यहाँ से बढ़ रहा है ना, ये बिना कलर वाला बढ़ रहा है एरिया। तो OH माइनस आयन की जब सांद्रता बढ़ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्षारीय हो रहा है। और H प्लस आयन बढ़ रहा है, देख रहे हैं ऊपर से कलरफुल वाला नीचे आते 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 बढ़ रहा है, तब हम इसको कहेंगे कि यदि H प्लस आयन बढ़ रहा है इसका मतलब वह अम्लीय है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि यदि H प्लस आयन का मात्रा या H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ रही हो तब हम उसको कहते हैं कि अम्लीय माध्यम में होगी, और यदि OH माइनस आयन की संख्या सांद्रता बढ़ रही हो तब हम उसको कहेंगे क्षारीय। क्लियर, चलिए तो यहाँ तक के हमको पता चल गया कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। तो आप याद रखिएगा कि अम्ल का पीएच मान 7 से हमेशा कम होता है, जबकि क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, यानी कि 0 से 7 के बीच में अम्ल कहलाता है, 7 से 14 के बीच में क्षार कहलाता है, और उदासीन होता है 7 वाला। यानी कि जिस किसी भी पदार्थ का, वस्तु का, यौगिक का पीएच मान अगर 7 दिख गया तब हम कहेंगे उदासीन। क्लियर, चलिए फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग इस बात पे आते हैं कि किस किस पदार्थ का कितना कितना पीएच मान है। तो एक तरफ लिखिएगा उसके नीचे पदार्थ, और दूसरे तरफ बनाइएगा पीएच मान। ठीक है, एक तरफ बनाइएगा पदार्थ और दूसरे तरफ पीएच मान, और पदार्थ में सबसे पहले लिखना है जठर का, जठर रस, जठर रस, जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो 1.2। तो बताइए कि 1.2 हो रहा है तो ये कौची है, अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन है।
तो ये अम्ल है क्योंकि अम्ल 0 से 7 होता है। तो एक तरफ हम पदार्थ का नाम लिखेंगे और दूसरी तरफ पीएच मान लिखेंगे कि उस पदार्थ का पीएच मान कितना है। हो सकता है कि सवाल में आ जाए कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो 1.2। अगला लिखेंगे नींबू का रस, नींबू का रस, तो नींबू का रस का पीएच मान कितना है, तो 2.2। ठीक है, नींबू के रस का वैल्यू कितना होता है, 2.2। फिर लिखेगा उसके नीचे शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान 7। तीसरा नंबर में शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। फिर लिखेगा रक्त, उसके नीचे रक्त, रक्त का होता है 7.4। रक्त का कितना होता है, 7.4। फिर उसके बाद उसके नीचे लिखेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसके नीचे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऐसे मैग्नीशिया, इसको ब्रैकेट में MgOH के होल टू भी बोल सकते हैं, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका वैल्यू होता है 10, इसका पीएच मान कितना होता है, 10। यानी कि देख लो भाई, हमारा रक्त भी क्या है, क्षार है, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4। अब लग रहा होगा कि सर पीएच मान निकालते कैसे हैं, तो अभी निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ नहीं सीखना है, आप चीज़ों को याद रख लीजिए कि रक्त का 7.4 और जो शुद्ध जल है, शुद्ध जल अब किसको कहते हैं, तो शुद्ध जल जो डॉक्टर लोग पानी जो चढ़ाते हैं ना, डिस्टिल वाटर उसको भी बोल सकते हैं, डिस्टिल वाटर यानी कि शुद्ध वाटर, शुद्ध जल, वो शुद्ध जल हमारे शरीर में चढ़ता है जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर रक्त का भी पीएच वैल्यू याद रखिएगा 7.4 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है पीएच मान 10, इसका MgOH का होल टू फार्मूला होता है। फिर लास्ट में लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH, इसका पीएच मान होता है 14, जो कि सबसे प्रबल क्षार है, क्योंकि हाईएस्ट तो 14 है और 14 ही होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसलिए याद रखिएगा कि किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पीएच स्केल क्या है और किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग अगले क्लास में बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक को पढ़ेंगे कि आखिर हम लोगों को दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, अगर पीएच नहीं होता तब हम लोग पर बुरा प्रभाव कैसे पड़ सकता था। तो अगले दिन हम पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।